हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिनटेक गुरुजी। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, ये सारा कुछ आज मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना लंबा किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो वेबसाइट जिस पर आपको चले आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप क्रोम पर लिख करके आना चाहते हैं तो आप passportindia.gov.in भी डाल सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ एक डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर में आपको एक एडवाइजरी के तौर पे आता है, जिसे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पे पहले लिंक मिलता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले ही। तो पासपोर्ट ऑफिस मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका जो भी एरिया है उस एरिया के हिसाब से अपना पासपोर्ट ऑफिस पहले सेलेक्ट कर लें। करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना गिवन नेम, जो आपका नेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और आपका मिडल नेम दोनों आपको यहाँ पर डालना होगा गिवन नेम में। और यहाँ पर आखिरी में आपको सरनेम डालना है, जो आपका आखिरी नाम है। और आपके सिर्फ दो ही नाम है तो सिर्फ आप गिवन नेम और सरनेम डालें बस। जैसा कि मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूँ, जिस तरह का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लॉगिन आईडी को, ईमेल आईडी को ही अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने कर देता हूँ। वहाँ पर पासवर्ड अपना जनरेट कर लेना है, उसी को फिर पासवर्ड को अपना कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर हिंट क्वेश्चन के तौर पर एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप कभी मान लीजिए भूल जाते हैं अपने पासवर्ड, तो उस क्वेश्चन की वजह से जो आपने आंसर देंगे आप, उस आंसर के बदौलत आप उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप ओपन कर सकते हैं, अपने आईडी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना करेक्टर डाल देना है, करेक्टर जो दिया हुआ है सबमिट कर देना है। हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। यहाँ पर आपने ईमेल पे जाना है, बोला जा रहा है कि अपने ईमेल पे जाएं, वहाँ पर एक लिंक आया होगा, उस लिंक को आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएँ। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है, प्लीज़ क्लिक द लिंक। तो इसी लिंक पर आपको सिंपली टैप कर देना है। टैप करते के साथ ही यहाँ पर अपना इंटर यूज़र आईडी, मैंने जैसे कि ईमेल आईडी को ही बनाया था तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ही डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे में सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर मैं दोबारा से आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे आप दोबारा से कर देना है। तो मैं यहाँ पे होम पे चला जाऊँगा या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक हियर भी जा सकता हूँ। जाने के बाद रजिस्टर यूजिंग यूज़र लॉगिन पर आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद लॉगिन आईडी डालें, कंटिन्यू करें, अपना पासवर्ड जो बनाया था वो पासवर्ड डालें। डालने के बाद कैरेक्टर जो आ रहा है उसको डालें। यहाँ पर आने के बाद अब आपको बारी बारी से सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे भरना है। सबसे पहले अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, यही आपको सेलेक्ट करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो यहाँ पे देख लें, इसी पे आप जाएं। जाने के बाद क्लिक हियर द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इसी पे आपको जाना है। जाने के बाद अपना स्टेट चूज करें, डिस्ट्रिक्ट चूज करें। करने के बाद अब यहाँ पर आपको अप्लाइंग फॉर क्या, फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। तो मैं जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट के लिए बता रहा हूँ, री इशू का भी सेम प्रोसेस है। तो फ्रेश पासपोर्ट पर मैंने सेलेक्ट किया। टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मल या तत्काल। नॉर्मल रखेंगे तो आपको 1500 का देना होगा, तत्काल रखेंगे तो आपको 2000 एक्स्ट्रा देना होता है। बुकलेट टाइप 36 पेजेस या फिर 60 पेजेस। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि क्या फ़र्क है नॉर्मल और तत्काल में। तो नॉर्मल अगर आप करते हैं तो आपका जो ये सर्विस का टाइम है वो 15 से 20 दिन है, और वहीं एक महीना भी लग सकता है। और तत्काल जो है वो एक हफ्ते के अंदर में आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अहम प्रोसेस लगता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज़ गलत होता है तो आपको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है नॉर्मल। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल ही सिलेक्ट करें। बुकलेट टाइप में 36 या 60 में आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 36 पेजेस का बना देता हूँ। नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, गिवन नेम, अपना गिवन नेम डाल दें, जो आपका गिवन नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे आया भी है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम को ही गिवन नेम। और यहाँ पे आपका सर नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हैव यू बीन अदर, क्या आप दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। अगर यस है तो हाँ करें, नहीं तो नो करें। हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने पहले कभी नाम चेंज किया है, नो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ ना बता दें कि आप कहाँ के जन्म लिए हुए हैं, उस विलेज टाउन या सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट से हैं, मार्शल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड, मैरिड, जो भी आप
यहाँ पे सेलेक्ट कर लें सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका क्या बर्थ यहीं हुआ था या डिसेंट, तो बर्थ ही है ऑब्वियसली, तो बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है अगर है, इफ़ अवेलेबल, तो मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। वोटर आईडी भी अगर आपके पास है तो उसका नंबर डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपका स्टूडेंट वगैरह है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड है। स्पॉस, क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर यस है तो यस, नहीं तो नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको सही से कर लेना है, सेवन्थ पास है टेंथ पास है, क्योंकि इस पे आप बेसिस पे आपको ही डॉक्यूमेंट शो करना होता है। अगर आप ग्रेजुएट एंड एबव हैं तो ग्रेजुएट एंड एबव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ग्रेजुएट एंड एबव को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो नन ईसीआर कैटेगरी में यहाँ पर आपको माइग्रेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो शो करना होता है वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में एज अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये आपको मैंडेटरी। अगर आप सेवन से नीचे सेलेक्ट करते तब आपको मैट्रिक का जरूरत नहीं होता। विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क्स, अगर आपके चेहरे पे कोई भी मतलब कहीं पर शरीर पर कोई मार्क है तो वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका आधार नंबर, आधार नंबर आप डाल भी सकते हैं इफ़ अवेलेबल, आई एग्री यस करें नेक्स्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ पर आप अपना फादर का नेम, मिडल नेम, ये सारा चीज़ आप डाल दें। डालने के बाद मदर्स का, फिर गार्जियन अगर आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, स्पॉस नेम अगर आप मैरिड हैं तब आप स्पॉस नेम वगैरह डालेंगे। ये सब करने के बाद आपको सेव माई डिटेल्स आपको कर देना है। सेव माई डिटेल्स करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है कि यस योर पर्सन, अगर आप इंडिया से बाहर हैं तब यस करें नहीं तो नो करें। अगर नो करते हैं तो आपको हाउस नंबर स्ट्रीट नेम मतलब आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, अपन जो एरिया आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालें, विलेज और टाउन और सिटी यहाँ पे डाल दें, स्टेट यूनियन टेरिटरी सब तो आपका पहले से सेलेक्ट है, पुलिस स्टेशन आपको बता देना कि थाना कहाँ पर पड़ता है आपका। उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ डालने के बाद परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या यही परमानेंट एड्रेस है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, फिर आपको दूसरा एड्रेस डालना होगा परमानेंट वाला, तो अगर यही है तो फिर यस कर दें। सेव माई डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक कर दें और फिर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पॉपअप आता है कि ये सारा डिटेल जो आपका सेव होने वाला है, तो एक बार आप चेक कर लें, अगर ये सारी चीज़ सही है तो आपको ओके का बटन क्लिक कर देना है। करने के बाद इमरजेंसी कांटेक्ट, अगर मान लीजिए आप बाहर में हैं और आपको कोई परेशानी आता है तो तब आप किसको कांटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ करने के बाद सेव माय डिटेल और नेक्स्ट का ऑप्शन। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपके पास क्या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो नो, यस है तो यस। प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स, क्या आप पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल में रह चुके हैं, अगर है तो ये सारा चीज़ें तो यस पे करें, नहीं तो नो पे करें और इसी के साथ नेक्स्ट का क्लिक कर दें। अगर आप फ्रेश अप्लीकेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आपको सिंपली नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, सारे पे नो पे ऑप्शन अगर आप फ्रेश हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा है एक तरह का डेमो है, ये इस तरीके का बन के आपका आएगा, देख लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक कर देना है, यहाँ पे मिलान भी कर लेना है सारा नाम वगैरह। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का डिटेल देना है, प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, ये दो चीज़ों का जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बता देना है कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ बर्थ में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सारे आपको आईडी कार्ड मिल जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा है जो बेहतर है जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया पहले के लिए, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आप आधार कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते थे, आधार कार्ड वैसे ज़्यादा सही रहता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, प्लेस बता देना अपना कि किस जगह से हैं, उसके बाद डेट वगैरह अपने आप आ जाएगा, आई एग्री करना है और फिर सेव माई डिटेल्स कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म का एक नीचे में ऑप्शन मिलता है, उस सबमिट फॉर्म वाले एक ऑप्शन को क्लिक कर देना है, हाँ एक बार चेक जरूर कर लेना है दोबारा से। अब यहाँ पर आपका जो है रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, इस रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट कर लें, नोट करके रख लें, क्योंकि आगे इसको आप रजिस्ट्रेशन अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें काम देता है। अब यहाँ पर आपको पे करना है, कितना पे करना, अगर आपने नॉर्मल के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1500 का पे करना, ऑनलाइन पेमेंट, चालान पेमेंट, आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें, रेफरेंस नंबर ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जगह का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उस जगह के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, लोकेशन अपना बता दें, आपके एरिया के हिसाब से आपका यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा और उस जगह में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे सारा चीज़ शो होगा। नेक्स्ट करें, यहाँ पर आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लें, कितना तारीख का आपको, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन वाला मतलब खाली है, रेड वाला खाली नहीं है,
ग्रीन वाले को सेलेक्ट करें कोई भी डेट पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर आप जिस मेथड का इस्तेमाल करके पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को सिलेक्ट करें। 1500 का आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है, यहाँ पर सिंपली आप पे कर दें। इसी के साथ दोस्तों आपका जो पासपोर्ट जो अप्लाई प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। बस यही छोटा सा जो दो तीन प्रोसेस वही करना होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट भरा वही डॉक्यूमेंट को आपको साथ लेके जाना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारा डिटेल आपको साथ लेके जाना होता है, ये आपका तैयार हो गया। और ये जो आपको मिलता है ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है, क्योंकि ये आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको साथ लेके जाना है। ये जो चीज़ आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर इसको आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर वो देखते हैं चेक कर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।